नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ अदानी ग्रुप के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है, एक्चुअली में हिंडनबर्ग की तो रिपोर्ट ही नहीं है, जो सो कॉज नोटिस सेबी की तरफ से हिंडनबर्ग को गया है उस पर हिंडनबर्ग ने रिप्लाई दिया है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अदानी ग्रुप का इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अदानी ग्रुप के ऊपर जितने भी केसेस थे वो ऑलरेडी सब क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पहली बात तो अदानी ग्रुप का इन्वेस्टर बिल्कुल भी घबराए ना, टेंशन ना ले, परेशान ना हो इस रिपोर्ट से या ये जो मामला है इसकी वजह से। जितनी भी चीजें अब ऊपर ऊपर चलेंगी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए, इससे चलते कोई खबर नहीं दिख रही है मेरे को और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो ये तो मेरी तरफ से हो गई बात। बाकी अगर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स टूटे और अगर कोई लिंक करने की कोशिश करे स्टोरी को, तो आई थिंक वो एक गलत आप कह सकते हो कि सलाह होगी, जो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत होगा। इन्वेस्टर को एक तरीके से गुमराह करने की बात है। अगर कुछ नया डेवलपमेंट आएगा देन डेफिनेटली हम भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी पोर्ट्स के कुछ डेटा आता हुआ दिखाया। आपको पता है जहां पे मंथ एंड होता है जब भी, तो आपका कंपनी जो है प्रोडक्शन डेटा वगैरह देती है, और जब पूरा क्वार्टर एंड होता है तो फिर क्वार्टरली अपडेट्स आते हैं। तो अदानी पोर्ट्स की तरफ से भी अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, दमदार अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अदानी ग्रुप में मैं स्टिल कह रहा हूं, अगर आपको पैसा फ्रेश लगाना है तो आप अदानी पावर, एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स पे नजर रखिए, और एक्वायर्ड स्टॉक में ACC पे नजर रखिए, क्योंकि वहां वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत सस्ते दिख रहे हैं मेरे को वैल्यूएशन। और अगर आपका पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप वेट कीजिए, अभी ये साइडवेज में है, अभी कंसोलिडेशन में है, नेगेटिव टेरिटरी में है, थोड़ा सा मतलब इन्वेस्टर्स की नज़रों से दूर है, लेकिन जब भी इनमें वापस से तेजी बनेगी तो वो शार्प बनेगी। और एक और चीज़ आपको दिख रही होगी कि अदानी ग्रुप वापस से एक्शन में आने लगा है, एक्विजिशन कर रहा है, ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, उनके CEO आपका केपेक्स की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। स्टॉक का प्राइस नहीं चल रहा है, वो आपके लिए जल्दी चलेगा। फ्रेश कैपिटल जो भी लगाने की कोशिश करें तो प्रेफर्ड पिक मैंने आपको बताई, और अभी नहीं, आप डिप्स का वेट कीजिए और एक बार में तो बिल्कुल मत लगाइएगा। वन मोर थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही लगाइएगा जितना आप झेल सकें, क्योंकि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में पैसा लगा के पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान को वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं होती है और वॉलेटिलिटी ही अदानी ग्रुप में सबसे ज्यादा रहती है। एक दिन में 10% नीचे और ऊपर दोनों हो सकते हैं। तो आप कैपिटल इतना मत लगा देना कि अगर गलती से नेगेटिव कुछ भी हुआ और स्टॉक टूटे तो आप पूरी तरीके से ही खत्म हो जाएं, फिर आप पे वो लॉस ना झेले, आपको वो बार बार स्क्रीन देख के मतलब परेशानियों, हेल्थ इश्यूज आए। इससे अच्छा है कि आप दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा लेना, लंबे समय के लिए लेना, वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर पाओ ऐसा सोच समझ कर लेना। अब आता हूं मैं अदानी पोर्ट्स के जो अपडेट आते हुए दिखिए उसके ऊपर। कंपनी रिकॉर्डेड अ टोटल कार्गो वॉल्यूम ऑफ 37 MMT इन June 2024, मार्किंग अ 12% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। तो 12% की साल दर साल बढ़त देखने को मिली है आपको इनके कार्गो वॉल्यूम्स में। वहीं अगर क्वार्टरली बात करी जाए तो लगभग यहाँ भी आपको एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, 7.5% का बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी सेज विद इन द लॉजिस्टिक सेगमेंट क्वार्टरली रेल वॉल्यूम इंक्रीज 19%। तो क्वार्टरली रेल वॉल्यूम इंक्रीज हुए 19%, तो सब कुछ ठीक है मेरे को लगता है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत दिखती नहीं है मेरे को। तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक है जो रडार पे रहेगा इन्वेस्टर्स के, ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है आगे को लेकर, तंगड़ी कमेंट्री रहती है कंपनी की तरफ से अदानी पोर्ट्स के मैनेजमेंट की। अब आते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, अदानी पावर, जिसमें मैं आपके साथ कह रहा हूं कि कंटिन्यू बुलिश हूं, एक दो क्वार्टर और डिप आ सकती है। रीजन मैं आपके साथ ऑलरेडी काफी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि बेस बहुत स्ट्रांग है, 8,500 करोड़ का प्रॉफिट है लास्ट ईयर के जून क्वार्टर का। अगर उसको पार करना है तो आपको 8,500 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिखाना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो आपके दो क्वार्टर हो सकता है मैक्सिमम लेवल पे प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको डिप आती हुई दिखे, बट उसके बाद आप इवेंचुअली देखोगे 2,500 करोड़ के सामने आपका 3,000 करोड़ का आएगा, 4,000 करोड़ का आएगा, तो वो सेटल हो जाएगा एक तरीके से। और स्टॉक को अभी वैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं मार्केट में। आप देखो 13 के पीई पे अदानी पावर ट्रेड कर रहा है, कोई पावर स्टॉक नहीं है जो 13 के पीई पे है। अगर कोई है, आई थिंक NTPC भी नहीं है अब तो 17 के पीई पे, मतलब मैं सोच रहा था कि सरकारी कंपनी में NTPC होगा शायद, वो भी नहीं है। पावर ग्रिड 19 पे है, NTPC 17 पे है, केवल अदानी पावर है जो 13 के पीई पे मिल रहा है।
तो जब ये 3 क्वार्टर बाद सेटल हो जाएगा ना दोस्तों, मतलब इनका प्रॉफिट सेटल होगा, तो आई थिंक मार्केट इसे भी 15 से 20 के वैल्यूएशन देगा, जिसके चलते मेरे को लगता है ये आपको 4 डिजिट में भी आता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप स्टिल बने रह सकते हैं, फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, और डिप्स में आप लेके थोड़ा हिम्मत रख के बैठे रहना, बस इतना ही कहूंगा। नेक्स्ट है अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ अभी कोई मूव आ नहीं रहा है, आएगा तो शार्प आएगा मेरे को लगता है, 3150 पे है और बहुत लंबे समय से यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक का। या तो यहाँ पे टॉप बनाएगा आपको लग रहा है तो फिर 3400 का टॉप हो जाएगा, और वापस से नीचे भी आएगा तो नीचे में आपके लिए अराउंड 2500 तक आ सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि नीचे नहीं आएगा, शार्प तेजी में ऊपर में आपके लिए 4000 निकल जाएगा स्टॉक। तो 4000 रुपए के लक्ष्य रखिए, आप डीप स्टॉप लॉस लगाइए और बाय ऑन डिप्स कीजिए, होल्ड कीजिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। Thank you so much for watching this video. Have a great day, guys.